आज हुसैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं जवाब दो? जवाब दो, जवाब दो। हुसैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं जवाब दो? जवाब दो, जवाब दो। जिसका सकल ही चोर जैसा हो वो बात ही भी चोरी जैसा करेगा। खिलाड़ी और खेल में फर्क है भैया। और ये सत्ता में बैठे भाजपा के सांसद इन खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। 34 मुकदमे, उनका बेटा फेडरेशन से जुड़ा हुआ, उनका दामाद बिहार फेडरेशन चलाता है, उनका बेटा एक साला फेडरेशन चलाता है, उनकी पत्नी सांसद है, उनका एक बेटा और लगातार दूसरी बार विधायक। ये फेडरेशन 11 साल से वो अध्यक्ष है, ये खुद सोच के देखिए ना, कौन सा ऐसा अध्यक्ष है जो 11 साल से लगातार बना रहे। आपको नहीं लगता है क्या, अगर वो बहने अगर बोल रही हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ तो सीला जीत खाता होगा कि क्या क्या नहीं खाता, वो मीडिया के सामने दिखा के खाने वाला, उससे ज्यादा भी कुछ खा सकता है। वो शरीर से बल देख रहे हैं, पैसे से बलवान है, फंडिंग कर रहा है बीजेपी को, 50 से ज्यादा कॉलेज और स्कूल, करोड़ों के रुपए का अरब, इन पे ईडी सीबीआई नहीं जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह, क्या कहा जाए उनको, फेडरेशन का चेयरमैन, सांसद, या एक तरह से गुंडई छवि वाला आदमी, या क्या उनको कहा जाए। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। नीतीश जी हमारे साथ हैं, जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं, छात्र जो कि खेल वाला मामला है वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि इतने लोगों का आरोप हम पे लग रहा है, इतने लड़कियों का हम यौन शोषण किए हैं, हम बियागड़ा का गोली या कौन शिलाजीत खाते हैं, ये बात उन्होंने कहा, शिलाजीत का बात कहा। एक माननीय सांसद, फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? जिसका सकल ही चोर जैसा हो वो बात ही भी चोरी जैसा करेगा। खिलाड़ी और खेल में फर्क है भैया। खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, अपने जी जान लगाकर खेलते हैं। कुश्ती में जिस तरीके से दांव पेच के साथ सामने वाला पटकते हैं, वो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं। और ये सत्ता में बैठे भाजपा के सांसद इन खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। 34 मुकदमे, उनका बेटा फेडरेशन से जुड़ा हुआ, उनका दामाद बिहार फेडरेशन चलाता है, उनका बेटा एक साला फेडरेशन चलाता है, उनकी पत्नी सांसद है, उनका एक बेटा और लगातार दूसरी बार विधायक। ये फेडरेशन 11 साल से वो अध्यक्ष है, ये खुद सोच के देखिए ना, कौन सा ऐसा अध्यक्ष है जो 11 साल से लगातार बना रहे और कमाई मिल रहा है, ये इनको जिस्म की अपने भूख मिटा रहे हैं, जिसका जवाब कौन देगा? आज बेटी कह रहे हैं कि हम क्या शिलाजीत खाते हैं, क्या क्या मित्रों लड़कियों का यौन शोषण, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार कर देंगे, ये उसका क्या जवाब है आपके पास? मतलब कि आपको नहीं लगता है क्या, अगर वो बहने अगर बोल रही हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ तो शिलाजीत खाता होगा कि क्या क्या नहीं खाता, वो मीडिया के सामने दिखा के खाने वाला, उससे ज्यादा भी कुछ खा सकता है, वो अपने आप को दिखाने के लिए उससे ज्यादा भी खाया भी होगा। मैं तो साफ कहता हूँ कि अपनी बहन, अगर आपको नहीं मिलता है इंसाफ यहाँ पर जंतर मंतर पे, तो समय आ गया है, अब किसी का इंतजार ना करें, अब सीधे जाए बृजभूषण पे और सीने पे चढ़कर अपना हक, अपना न्याय ले। नहीं तो ये जैसे योगी जैसे जो सरकार है यूपी में, इनका फंडिंग रुक जाता है अगर ये नहीं, अगर बृजभूषण के बारे में। आखिर नीतीश जी मतलब इतना पावरफुल आदमी है कि मतलब योगी भी चुप, मोदी भी चुप, पुलिस प्रशासन भी चुप, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई एफआईआर दर्ज कीजिए। मतलब कि शरीर से बल देख रहे हैं, पैसे से बलवान है, फंडिंग कर रहा है बीजेपी को, 50 से ज्यादा कॉलेज और स्कूल, करोड़ों के रुपए का अरब, इन पे ईडी सीबीआई नहीं जाएगा। इन पे योगी जी इनके साथ है, मोदी जी इनके साथ है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि करोड़ों अरबों का फंडिंग ये करेंगे। 2024 का नजदीक है समय चुनाव का, जाए तो जाए कहाँ, पैसा तो इनसे ही लेना है, यूपी में चुनाव इनके साथ लड़ना है, तो इनके बारे में कोई बोलने नहीं जा रहा है। यूपी में योगी जी बोलते हैं कि हम दंगा मुक्त करेंगे, क्रिमिनल मुक्त रहेगा, 34 एफआईआर, अपने समय में एसपी पर पिस्टल टान दिए थे, खुद कबूल किया इन्होंने कि मैंने एक मर्डर किया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम गुंडा राज नहीं बनेगा। सबसे बड़े गुंडा, माओवादी, आतंकवादी तो ये है जो सत्ता में बैठ के, सत्ता के हनक से ये अपने सारे काम करते हैं। लेकिन नीतीश जी, एक और अंतिम सवाल आपसे ये है कि एक मामला और चल रहा है जो उनका पक्ष है, बृजभूषण के समर्थन वाले, उनका कहना है कि जाति से फलनमा है, और हरियाणा उत्तर प्रदेश का लड़ाई है, पहलवान लोग चाहते हैं कि हरियाणा का वर्चस्व रहे, ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का वर्चस्व रहे, तो इस पर भी आपको जवाब देना है। मतलब जो पहलवान लड़ने गया था जो भारत की तरफ से, वो तिरंगा भारत का लेके गया था कि हरियाणा और यूपी का? सीधा सवाल है, वो भारत का तिरंगा लेके गया था, वो कौन ऐसा पहलवान है जो कह रहा है कि मैं हरियाणा का हूँ, मैं भारत का नहीं हूँ? मेडल जीतने के बाद वो तिरंगा भारत का लेता है, ना कि हरियाणा और यूपी का। अपने बचने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई, उनके जितने समर्थक है उनके साथ भी वो सम्मिलित होंगे, इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई कहावत तो आपने सुना ही होगा कि चोर चोर मौसेरे भाई, और यही दोनों चोर हैं कि उनके साथी और वो जो इस तरीके का बात कर। सोशल मीडिया पे एक ललन टॉप खबर चला रहा था कि वहाँ कोई मिश्रा जी, उन्होंने लिखा कि यहाँ
जंतर मंतर पर मियां खलीफा क्यों नहीं पहुंच गए प्रदर्शन करने। तो आखिर इतना निगेटिव जो पहलवान हमको मेडल ला करके दिए हैं, देश का गौरव बढ़ा, उनके प्रति इतनी नफरत। मैं तो कहता हूँ आप सामने होकर उस बहनों के सामने तो बोल के देखिए ना। हाँ। वो बहनें आपको वहीं पे पटक के आपको चीर ना डाले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो बहनों का कमजोर समझे हैं, जो दुनिया को बड़े से बड़े रेसलर को पटक सकते हैं वो आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार में पटक देंगे। चलिए, तो नीतीश जी हैं, बहुत बेबाक ढंग से इन्होंने जवाब दिया, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।